नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 ट्राइसेप मास गेनिंग एक्सरसाइज। इस वीडियो में मैं जो भी आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा वो मेरे ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ये सारे एक्सरसाइज आपके लिए हेल्प कर सकती है फॉर मास गेनिंग। अगर आप अपने ट्राइसेप को बड़े करना चाहते हैं, अपने ओवरऑल आर्म्स को बड़े करना चाहते हैं, तो आपको इस एक्सरसाइज को लगाना जरूरी है। और बता दो आपको कि सिर्फ ट्राइसेप ऐसी चीज़ें होती है जिसके वजह से हमारा पूरा के पूरा आर्म्स जो होते हैं वो बड़े दिखने लगते हैं। तो अगर आप ट्राइसेप की एक्सरसाइज नहीं लगाते या फिर आप ट्राइसेप कम और बाइसेप एक्सरसाइज ज़्यादा लगाते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ट्राइसेप बहुत ही बड़े मसल्स है बाइसेप्स के हिसाब से। तो आपको ट्राइसेप्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए बाइसेप्स के हिसाब से। ये जो मैं 5 एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, ये आप 1 महीना करें एंड यू विल बी गेट योर रिजल्ट्स। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स रोल। तो नंबर 1 एक्सरसाइज जो आपको परफॉर्म करनी है सबसे पहले वो है केबल पुश डाउन। केबल पुश डाउन आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में कि मैं वीडियो बना के भी आपको दिखाऊं। बहुत से लोग जानते हैं केबल पुश डाउन लगाना, लेकिन पोजीशन जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको पोजीशन बता देता हूं। आपको सबसे पहले अपने हिप को बाहर करनी है और चेस्ट को अप करनी है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जब आप इसे लगा रहे हो आपके हाथ जो एल्बो होगी, मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, आपके हाथ का जो एल्बो होगी ये बिल्कुल ही ऐसे होगी और बिल्कुल स्ट्रेट होगी। बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं, झटका मारते। तो आपको झटका कभी नहीं मारने। जब झटका मारोगे तो आपके ये जो है पोर्शन हिट नहीं होगी, और जब हिट नहीं होगी तो आपके एक्सरसाइज करने की कोई फायदा ही नहीं है। तो कोशिश करो कि जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया, हिप बाहर, चेस्ट अप और बिल्कुल सीधा नीचे, सीधा अप। पहला एक्सरसाइज आपको लगाना है 4 सेट, 2 सेट इस एक्सरसाइज के आप वार्म अप लगाए, उसके बाद आप हेवी जाए। जो 2 सेट आप वार्म अप लगाएंगे उसके लिए आपको 8-10 रिपीटेशन लगाने हैं, उसके बाद आपको जाना है हेवी, और हेवी जाने के लिए आपको 5-8 रिपीटेशन लगा सकते। लेकिन याद रखिए गाइज, ये 5-8 रिपीटेशन आपके काफी हेवी होना चाहिए। नंबर 2 एक्सरसाइज जो आपको परफॉर्म करनी है ट्राइसेप को बढ़ाने के लिए, बड़े करने के लिए, मास बनाने के लिए ट्राइसेप की, वो है ट्राइसेप बेंच प्रेस। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप की मास को बढ़ाने के लिए। और बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज के बारे में नहीं जानते, नहीं लगाते, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप की मास को बढ़ाने के लिए। अब इसको लगाना कैसे है, इसको लगाना बहुत ही सिंपल है। जैसे आप बेंच प्रेस लगाते हो वैसी आपकी पोजीशन होगी, आपके जो हाथ होगी वो होगी आपके चेस्ट के बिल्कुल बराबर होगी आपके हाथ, और क्लोज होगी थोड़ी सी। आप चेस्ट प्रेस लगाते तो आपके वाइड ग्रिप होती है, लेकिन यहां पर आपकी क्लोज ग्रिप होगी पोजीशन आपके। अब आपको लगाना कैसे है, आपको बड़बेल को बिल्कुल ही आपके चेस्ट के जो यहां का पोर्शन होते हैं इस पे आके टच करना होगा, और बिल्कुल स्ट्रेट आप ऊपर लगाना होगा। जब इसको परफॉर्म कर रहे हो इस एक्सरसाइज को, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी सारे अटेंशन होगी वो आपके ट्राइसेप के ऊपर होगी, ठीक है। आपको ट्राइसेप बेंच पे लगानी है 4 सेट, 2 सेट वार्म अप की और 2 सेट हेवी। आप हेवी जाएंगे तो यहां पर आपको 8-10 रिपीटेशन लगाना पड़ेगा। आप जब वार्म अप कर रहे हैं तो थोड़ी सी कम वेट लीजिए, कोशिश करिए 10-15 रिपीटेशन जाने के लिए। नंबर 3 एक्सरसाइज जो कि परफॉर्म करनी है आपको वो है डंबल स्कल क्रशर। डंबल स्कल क्रशर आपको परफॉर्म कैसे करनी है, सिंपल, आपको लेट जानी है। आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं डंबल स्कल क्रशर। जैसे आप स्कल क्रशर लगाते हैं, बड़बेल स्कल क्रशर होती है और डंबल होती है। मैं प्रेफर करता हूँ डंबल की, क्योंकि इसमें आपकी अटेंशन ज्यादा पड़ती है। आप खुद ट्राई करके देखो, 1 महीना करो और आपके खुद रिजल्ट पता चल जाएगी। भाई मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होगी आपको इसको परफॉर्म कैसे करनी है। सेम चीज जैसे आप बड़बे में लगाते हो, आपके जो एल्बो होगी वो मूव नहीं होगी, वो एक ही जगह पे रहेगी, और जो ऊपर का पोर्शन होगी वो ऊपर एंड नीचे होगी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है आपको 8-10 रिपीटेशन 3 सेट्स, ठीक है। इसमें आपको 4 सेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 2 सेट लगा चुके हो पहले ही, तो इसमें आपको 3 सेट लगाने हैं। नंबर 4 जो एक्सरसाइज है वो है आपके ट्राइसेप डिप्स, और ट्राइसेप डिप्स आपको लगाने हैं वेटेड। अगर आप वेटेड नहीं लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल लगाए, लेकिन कोशिश करें, आपके ट्राइसेप की मास को बड़े करने के लिए काफी हेल्प करेगी। नंबर 5 और आखिरी जो एक्सरसाइज है वो है आपके डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप आपको लगाना कैसे है, ये बहुत ही बहुत से लोग गलत लगाते हैं डायमंड पुशअप्स। आपके हाथ कैसे होगी, यहां पे आपको बिल्कुल ही ऐसे हाथ लगाना है, ठीक है, ऐसे हाथ को लगाना है नीचे,
उसके बाद आपको अपने एल्बोस को मूव नहीं करनी, आपको एल्बोस को बिल्कुल आपको अंदर रखनी है, ठीक है। और आप जब नीचे आएंगे, आप फोटो में देख सकते हैं, जब नीचे आएंगे तो आपको एल्बोस को बाहर नहीं करने, बहुत से लोग बाहर कर देते हैं, आपके एल्बोस को अंदर रख के आपको पुशअप लगाने हैं। जब आप इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे तो आपके आर्म्स की जो पंप होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी। कोशिश करें कि जो डायमंड पुशअप्स है या आप एक या दो सेट लगाए, जितना आप ज्यादा जा सके, फेलियर तक जाए, एक दो सेट जितना जा सके जाए। तो यही थी मेरा टॉप 5 सिलेक्शन फॉर ट्राइसेप मास गेनिंग एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूं मेरा ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो लाइक बटन में लाइक क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो विद घंटे के साथ। घंटे को दबाओ यार, बहुत से लोग घंटे को दबाना भूल जाते हैं। और गाइज मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हो आप, नीचे लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम की, सेम अकाउंट है फिटनेस एंड ग्रूमिंग के नाम पे, उस पर जाके मुझे फॉलो करो। मैं रेगुलर फोटोज वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, लाइफस्टाइल के बारे में बताता रहता हूँ, तो आपको काफी जानने को मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन आप देखते रहिए फिटनेस एंड ग्रूमिंग यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, टेक केयर, गुड बाय।